अब अष्टावक्रों पर हंसने का समय नहीं। श्रोताओं, वैशाली का नमस्कार स्वीकार कीजिए। चैनल को आपका भरपूर समर्थन मिल रहा है, हम आपके इस समर्थन का सम्मान करते हैं। इस चैनल के मोनेटाइज होने के बाद अगर हमें कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो उसके शुद्ध लाभ का 10% रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस विषय पर अपने कमेंट्स और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए। इस पॉडकास्ट को बिल्कुल स्किप ना करें। पॉडकास्ट के कंटेंट राइटर हैं गिरीश बिल्लौरे मुकुल। तकनीकी सहयोग इंजीनियर सिद्धार्थ गौतम का है। भारत एक विशाल देश है, विविधताओं का देश है। विविधताओं से भरे इस देश में सामंजस्य स्थापित करना बहुत कठिन है। कठिन कार्य ही करने योग्य होते हैं, सामान्य कार्य तो कोई भी कर लेता है। दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता उनकी दुर्बलता ना होकर उपलब्धियों का शिलालेख बन जाती है। ऐसे हजारों उदाहरण विश्व में मौजूद हैं। भारत में अष्टावक्र की कथा लोकव्यापी है। अद्भुत विद्वान थे अष्टावक्र, पर लोग उनकी आकृति पर उनको देखकर हंसते थे। कालांतर में उन्हीं अष्टावक्र के ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया। गुरु रामभद्राचार्य जी अद्भुत मेधावान हैं। महाकवि सूरदास की फिलॉसफी उनकी पदावलियों से उजागर होती है। किसी भी शारीरिक असमानताओं के कारण अंडर एस्टिमेट करना, बॉडी शेमिंग करना, उन पर हंसना मेंटल डिसेबिलिटी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैज्ञानिक हॉकिंस के बारे में सोचिए। जो बोल नहीं सकता वह व्यक्ति यूनिवर्स के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। वह व्यक्ति अपने मानसिक और विशेष ज्ञान के सहारे अंतरिक्ष के रहस्य बताता है। और एक और हम हैं कि हर असफलता के पीछे अपने तरीके से बेहुदे कारण प्रस्तुत करने लगते हैं। इस क्रम में आप समझ ही गए होंगे कि आगे हम ओलंपिक 2024 की चर्चा करने जा रहे हैं। पदक तालिका देखी जाए तो भारत का सामान्य खिलाड़ियों के अपेक्षा भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने देश का सम्मान बढ़ाया है। भारत द्वारा पैरा ओलंपिक के लिए 84 प्रतिभागियों को भेजा गया था। इनमें से 29 खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किए, जो भेजे गए खिलाड़ियों का 34.52% है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक सूची में भारत का नाम 18वें स्थान पर है, जबकि भारत से भेजे गए 117 खिलाड़ियों की ओलंपिक में केवल 6 पदक जीते, अर्थात भेजे गए खिलाड़ियों के सापेक्ष कुल 0.53% उपलब्धि रही है। भारत में सामान्य ओलंपिक प्रतियोगिताओं में केवल 6 पदक जीते, पदकों में 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदकों का तो अता पता ही नहीं है। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर नजर आ रहा है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में अधिकांश खिलाड़ी खेल अभ्यास पर कम और आंतरिक कलह सियासी उठापटक पर ज्यादा ध्यान देते रहे हैं। सामान्य ओलंपिक में जब देश की इज्जत बचाने में सर्वांग संपूर्ण खिलाड़ी पीछे रह गए तो दिव्य अंग वालों ने लाज बचाई। अब आप तय कर सकते हैं कि अधूरा कौन है। भारत की जनता एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग खिलाड़ियों के कीर्तिमान पर बधाई देते हुए कहा कि यह एक गर्व का पल है और दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी दृढ़ता और संघर्ष के साथ खेल के मैदान में एक नए स्तर की प्रतिस्पर्धा को प्रस्तुत किया है।
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यह चैनल भी इन खिलाड़ियों के लिए अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं ज्ञापित करता है तथा लोगों को सलाह देता है कि वे भारत के सर्वांगीण विकास के लिए अपने कर्तव्य और दायित्व को अपनी अपेक्षाओं से अलग रखें। अब वह समय आ गया है जब खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए पंजीकृत करने के पहले उनकी योग्यता और दक्षता के अतिरिक्त उनका साइको टेस्ट भी लेना चाहिए। धन्यवाद।